वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसके इलाज के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। अमेरिका की एक कंपनी ने मार्च के मध्य में ही कोरोना वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हाल ही की जानकारी के अनुसार एक अन्य अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने भी कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर दिया है। खास बात तो ये है कि इस वैक्सीन को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वैक्सीन की पहली खुराक सोमवार को एक इंसान को दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से तैयार की गई इस वैक्सीन को बनाने में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और एपिडेमिक प्रिपेंडेंस इनोवेशन की ओर से फंड दिया गया है। अब की जानकारी के लिए बता दें कि इस वैक्सीन को बनाने वाली अमेरिका की ये दूसरी कंपनी है जिसे इंसानों पर टेस्ट करने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले मेसा चुसेट्स बायोटेक मॉडर्न ने मार्च के मध्य में इसका परीक्षण इंसानों में शुरू किया था। अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार तक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी है। इसी के साथ अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए सबसे कठिन हफ्ते में चला गया है। वहीं सोमवार तक वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 366,000 के पार जा चुका है। अमेरिका के वैज्ञानिक दिन रात इस वायरस के तोड़ को बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं अगर दुनिया भर का आंकड़ा देखें तो इस वायरस से अब तक करीब 13,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 74,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। अमेरिका में सिर्फ अकेला न्यूयॉर्क ही है जहां इसका संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। यहां अब तक करीब 4,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 1,30,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.